तो आप ये देख सकते हैं इस चैनल ने 3 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हुए हैं और ये ऐसी एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं। ये देखिए ये इनकी एनिमेटेड वीडियोस हैं, ये कुछ वायरल वीडियोस हैं और ये देखें ये कितने पर मंथ कमाते हैं और ये इतने पर ईयर कमाते हैं और ये देखिए ये इतने पर डे कमाते हैं। तो आज की ये वीडियो मैंने 6 स्टेप में डिवाइड कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कैसे आप ऐसे ही सिमिलर एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं वो भी AI की मदद से फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन। स्टेप नंबर 1 पर हम आ जाते हैं गूगल बार पर चैनल नेम और डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए। हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे इंटर प्रॉम्प्ट में आकर हम यहाँ पर लिख लेंगे गिव मी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज चैनल नेम आइडियाज। तो इसे सेंड कर देंगे। ये हमने लिखा है कि हमें लाइक इंटरेस्टिंग चैनल नेम आइडियाज दें, तो इन्होंने हमें ये इंटरेस्टिंग चैनल नेम आइडियाज दे दिए हैं। देखिए इनमें से आप कोई भी लाइक सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला, ये देखें। तो इसे कॉपी कर लेंगे हम और यहाँ पर हम लाइक आ जाते हैं चैनल डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए। हम यहाँ पर लिखेंगे राइट यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन इन डिटेल बेस्ड ऑन स्टोरीज वीडियोस। हियर्स चैनल नेम, हम यहाँ पर चैनल नेम पेस्ट कर देंगे और इसे सेंड कर देंगे। जैसे हम इसे सेंड करेंगे यहाँ पर ये लाइक देखेंगे जनरेट कर देगा डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन मुझे अच्छा नहीं लगा तो हम इसे फिर से अगेन कर देंगे, इसे रीजनरेट कर देंगे। तो ये देखें ये रीजनरेट हो रहा है, ये देखें ये डिस्क्रिप्शन देखें। ओके, इसे लाइक आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं नोट पैड में। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पर क्रिएट यूट्यूब चैनल लोगो एंड बैनर। लोगो एंड बैनर जनरेट करने के लिए कैनवा पर आते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लोगो। लोगो के यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट पर आकर यहाँ पर कोई डार्क बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं चैनल के नेम, यहाँ पर हम चैनल का नाम ऐड कर देंगे सेपरेट करके, हर वर्ड को सेपरेट लिखना है। ये देखें यहाँ पर हम ये इफेक्ट्स लगा देते हैं। उसके बाद ये लगा कर हम इसे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये देखें इसे हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद इसे हम डाउनलोड कर लेंगे, जैसे हम एडजस्ट करेंगे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कैनवा पर ही आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यूट्यूब बैनर। तो ब्लैंक टेम्पलेट पर आते हैं सिमिलर कलर बैकग्राउंड के लिए चूज़ करेंगे जो हमने लोगो के लिए किया था। तो हम यहाँ पर फिर से चैनल नेम लिख देंगे सेपरेटली, ये देखें। उसके बाद यहाँ पर इन्हें एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर इफेक्ट्स लगा देंगे, ये इफेक्ट लगा देते हैं। और उसके बाद इसे एडजस्ट करके यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन ऐड कर देते हैं जो हमने गूगल से डाउनलोड किया था, इसे यहाँ पर ऐड करके डाउनलोड कर लेते हैं बैनर को। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर 3, जनरेट यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट विद AI। तो यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर चैट GPT पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं राइट इमोशनल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उसे सेंड कर देते हैं ये लिखने के बाद, राइट इमोशनल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो जैसे ही हम सेंड करेंगे इन्होंने लाइक कितनी अच्छी अट्रैक्टिव और अमेजिंग स्टोरी लाइक लिख दी है, मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई, ये देखें। तो उसके बाद जैसे ही ये लिख लें, मैं आपको बताती हूँ अगर आप फनी वे में लिखना चाहें आप कैसे लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है राइट इट इन अ यूनिक फनी वे स्टोरी, राइट यूनिक एंड फनी स्टोरी। तो इसे सेंड कर दें। तो जैसे ही सेंड करेंगे ये आपके लिए फनी स्टोरी लाइक क्रिएट कर देंगे, ये देखें। उसके बाद हम, मुझे तो फर्स्ट वाली ज़्यादा अच्छी लगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाली के लिए हम इमेजेस जनरेट कर लेते हैं। थंबनेल के लिए तो हम यहाँ पर इमेजेस जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं राइट प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमेजेस फॉर द फर्स्ट स्टोरी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो प्रॉम्प्ट्स आपको जनरेट करके देंगे उसे हम आपको leonardo.ai पर पेस्ट कर देना है इमेजेस जनरेट करने के लिए। हम इसे रीजनरेट करेंगे बिकॉज मुझे फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट्स इतने अच्छे नहीं लगे।
देखते हैं देखें ये कितना लाइक अच्छे हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आपको क्या करना है, इसे कॉपी करके नोट पैड में पेस्ट कर देना है। ये देखें यानी हम नोट पैड में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं लाइक नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर 4, जनरेट वॉइस ओवर विद AI। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम 11 लैब्स पर आ जाते हैं और यहाँ पर इसे कॉपी करके फर्स्ट पैराग्राफ हम कॉपी करेंगे वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए। इसे थोड़ा कम कर लेते हैं और यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं वॉइस ओवर जिसका भी आपको चाहिए, लड़के का, लड़की का, जिसका भी चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ मैंने कॉपी कर लिया है, इसे डाउनलोड करके सेकेंड पैराग्राफ पेस्ट करेंगे और इसे जनरेट कर देंगे। इसे जनरेट करने के बाद हम थर्ड पैराग्राफ कॉपी करेंगे, यहाँ पर जैसे ही जनरेट हो जाए हम थर्ड पैराग्राफ पेस्ट कर देंगे और इसे जनरेट कर लेंगे। और इसके बाद हम अगला पैराग्राफ कॉपी करते हैं जब तक वो पिछला हो रहा है। तो ये थोड़ा लाइक हो ही नहीं रहा, पता नहीं टाइम बहुत टाइम ले रहा है। तो हम फिर से ओपन कर लेते हैं वेबसाइट, यहाँ पर आकर 11 लैब्स पर आते हैं, हम पर पेस्ट कर देंगे और इसे चूज़ कर देंगे वॉइस ओवर, तो ये जनरेट हो जाएगा। तब तक हम अगला पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं जब तक ये जनरेट हो रहा है। ये देखिए ये जनरेट हो गया है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसे डाउनलोड करने के बाद हमें अगला पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर 5, जनरेट यूट्यूब वीडियो AI एनिमेशन। तो हम steve.ai पर आ जाते हैं यूट्यूब वीडियो एनिमेशन जनरेट करने के लिए। और यहाँ पर हम 10 मेल पर आएंगे बिकॉज हमें ईमेल ये वाली ऐड करनी है, वो वाली ईमेल नहीं ऐड करनी है। हम साइन अप फॉर फ्री पर करेंगे, ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड आपको खुद जनरेट करना होगा। मैंने ये लाइक यूज़र नेम हमें ये वाला देना है। इसके बाद साइन अप पर क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर यहाँ पर एक ईमेल आएगी, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्लू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक करेंगे इस इंटरफेस पर आ जाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ये कॉपी कर देंगे ये पूरी लाइक स्क्रिप्ट, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसे पेस्ट कर देंगे, ये वाली लाइक कट कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कि ये वीडियो किस बारे में, स्टोरीज के बारे में, और यहाँ पर इसे हटा देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको टेम्पलेट चूज़ कर लेनी, आपको किस टेम्पलेट में चाहिए, मुझे ये येलो वाली सही लग रही तो ये क्लिक कर दी। उसके बाद ये जनरेट कर लेंगे इसे उसी टेम्पलेट की लाइक टेम्पलेट के लेआउट में, थीम में, उसी टेम्पलेट की थीम में, ये देखें। उसके बाद हम देखेंगे सारे सीन सही हैं, आप इसे एडिट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक अपने ज़रूरियात के हिसाब से। ये देखें इसे एडिट करते हैं हम, ऐसे जैसे ही एडिट कर देंगे हम लाइक आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें ये मुझे ऐसे सही नहीं लगा, मैंने ऐसे बड़ा करके यहाँ पर लाइक बिठा दिए ऐसे। ये देखें ये भी सही है, ओके। उसके बाद इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर साइड में पब्लिश के बटन पर क्लिक करना होगा। ये देखें यहाँ पर साइड पर पब्लिश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे इसे डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही ये लोडिंग हो जाए हम यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। ये देखें हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम देंगे फिर आपको इस पेज पर ले आएंगे। जैसे ही ये लाइन पूरी होगी आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम एडिट यूट्यूब वीडियो एंड प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पर हम कर देंगे क्या करेंगे, इसे वॉइस ओवर को एडिट कर देंगे। इसे जैसे ही एडिट करते हैं हम इसे एडिट कर देते हैं, जो भी फालतू पार्ट है वो डिलीट कर देंगे और बाकी को एक साथ लाइक जोड़ लेंगे। ये देखिए हमें एक साथ जोड़ लेते हैं, ये फालतू पार्ट से डिलीट कर लेते हैं और ये देखें ये सही है। तब तक हम सेकंड लाइक अपनी ऑडियो भी जनरेट कर लेते हैं, इसे भी एडिट कर लेते हैं सेकेंड ऑडियो को। जैसे हम इसे एडिट करेंगे, इसे एडिट करने के बाद ये देखें इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। ये देखें इसे भी लाइक सही कर देना है। उसके बाद इसे वीडियो की तरह वीडियो को लाइक वॉइस ओवर की लाइक अकॉर्डिंग वॉइस ओवर की तरह एडिट करना है। जैसे जैसे वॉइस ओवर होगा वैसे वैसे वीडियो को एडिट करना है कि कहाँ पर ख़त्म होता है, कहाँ पर शुरू होता है, कहाँ पर लाइक कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, वैसे एडिट कर देना है। उसके बाद इसे हम ऐसे एडिट कर देंगे और इसे लाइक एडजस्ट करने के बाद हम इसे कट कर देंगे और इसे ये एनिमेशन लगाकर एक्सपोर्ट कर देंगे। एक बार देखेंगे फिर एक्सपोर्ट कर देंगे इसे।
Once upon a time, in a quiet, picturesque village, nestled between rolling hills and a shimmering river, lived a man named Samuel. He was an enigmatic figure, known for his reclusive nature and his unique passion for music. Samuel was a gifted musician who had the ability to convey his deepest emotions through the melodies he played on his violin. Samuel's life had been marked by solitude ever since he lost his wife, Eleanor, to a tragic illness. आज के लिए बस इतना है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मजेदार वीडियो देखने के लिए. तो मिलते हैं अगली वीडियो में.